Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 फ्रॉम द टॉपिक जैकोबियन. एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज फंक्शनल रिलेशनशिप. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 और 4 और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं एक प्रॉपर्टी और आपके लिए लेके आया हूँ. तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 फ्रॉम द टॉपिक जैकोबियन. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं इसके सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 फ्रॉम जैकोबियन. आई स्टूडेंट्स, ओके, सो राइट डाउन दी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5. बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, और फिर मैं इस प्रॉपर्टी से एक एग्जांपल करवाऊंगा आपको, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में व्हाट इज फंक्शनल प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, किसको है, क्या है. ओके, तो देखिए, इफ फंक्शंस UVW, तीन फंक्शन स्टूडेंट्स आपके पास, इफ फंक्शंस UVW of 3 independent variables x, y, z are not independent. ठीक है ना students, are not independent, then curly UVW, ओके, डिवाइड बाय करली एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5. ओके, यानी कि हम जो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो वो हमारे पास कैसा आ जाए स्टूडेंट्स, 0 आ जाए. ओके, तो एक तो ये हो गया कि वो 0 आ जाए. दूसरा स्टूडेंट्स, की जो फंक्शन आपको गिवन है, ओके, मैं उसमें कुछ ऐसी मूवमेंट हो, एक ऐसी मूवमेंट वहां क्रिएट करे, सब्स्टिट्यूशन और जो भी है, जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो एज इट इज उसी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए. ओके, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहां से एक एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या कहती है. आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फ्रॉम फंक्शनल रिलेशनशिप. देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल कैसा होगा यहां से, आइए. तो प्रॉपर्टी से एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंक्शनली एंड इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड वी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई. दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 5 फ्रॉम द फंक्शनल रिलेशनशिप. देखिए स्टूडेंट्स, कैसे, हेयर यू एंड वी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो स्टूडेंट्स, जैकोबियन कैसा हो गया हमारे पास यहां पे फार्मूला. सो देयरफॉर कर्ली यू वी अपॉन कर्ली एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, करली यू अपॉन करली वाई, ओके, करली वी बाय करली एक्स एंड करली वी बाय करली वाई, ये देखिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको गिवन है ये, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, देखिए, यू इज इक्वल टू गिवन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स स्टूडेंट्स, कर्ली यू बाई कर्ली x
is equal to, using u upon v, 1 minus xy, okay, into 1 minus x plus y into its partial derivative with respect to x minus y, divide by 1 minus xy its whole square. So, kya hoga students, ye dekhiye, 1 minus xy, okay, plus xy, or plus, this is minus and minus minus plus plus y square, divide by 1 minus xy its whole square, and this is equal to, yes students, this xy to this xy cancel, this is your 1 plus y square by 1 minus xy its whole square. This is your curly u by curly x. Okay, so students, ab main iska partial derivative karte hain, curly u upon curly y. Chaliye, ye ho gaya hamara curly u upon curly x, and now find its partial derivative with respect to y. So curly u upon curly y is equal to iska derivative, ab with respect to y, treating x as constant. So 1 minus xy, okay, and 1 minus 1 minus 1, sorry, x plus y, okay, x plus y into, with respect to y, minus x, divide by 1 minus xy its whole square. This is equal to, yes, what students, 1 minus xy, okay, plus x square, okay, and minus minus plus plus xy divide by 1 minus xy its whole square. This xy to this xy cancel. Okay, so students, kya aa gaya aapke paas? Dekhiye, what is this? This is equal to, yes, x square upon, yes, 1 plus x square upon 1 minus xy its whole square. Yeah. This is your curly u upon curly y. Ab students, hum nikalte hain yahan se. वैसे हम यहां भी लिख सकते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब मैं यहां से, नाउ, चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से. देखिए, नाउ दिस इज योर कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, और ये है आपका कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई. ओके, दिस इज योर कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, नोट करें. अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट मीन्स कर्ली वी बाय कर्ली एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर्ली वी बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. टेक स्टैंड्स नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल पार्शियल डेरिवेटिव ये कर्ली यू बाय कर्ली वाई और ये कर्ली यू बाय कर्ली एक्स सब्स्टिट्यूट ऑल दीज पार्शियल डेरिवेटिव इन दिस इक्वेशन number 1 in equation number 1 and this equation number 1 become this is your equation number 1 this is equal to okay students now put yes what is your curly u by curly x 1 plus 1 plus y square okay divided by 1 minus xy its whole square curly u upon curly y 1 plus x square okay upon 1 minus xy its whole square dekhiye और कर्ली वी बाय कर्ली एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कर्ली वी अपॉन कर्ली वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, नाउ फाइंड इट्स डिटरमिनेंट. व्हाट इज इट्स डिटरमिनेंट, क्या होगा? देखिए, ओके, दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई टू ईच अदर हियर, दिस इज इक्वल टू 1 upon 1 minus xy its square, 1 upon 1, 1 upon 1 plus y square to 1 plus y square cancel in multiplication, or minus 1 upon 1 minus xy its whole square, okay, 1 upon 1 plus x square to 1 plus x square cancel in multiplication, this is equal to 0. Aha, dekhi students, kya ho gaya aapke paas ye, ki, yes, here u, v are functionally related also, hence, u, v are functionally related also. कैसे? v क्या given friends आपको? v is equal to, देखिए, yes, what is your v?
V क्या गिवन आपको, V इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स X प्लस टेंजेंट इनवर्स Y. एंड यू नो व्हाट इज दिस फार्मूला, दिस इज इक्वल टू, यस फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस फार्मूला ऑफ द टेंजेंट इनवर्स X प्लस टेंजेंट इनवर्स Y, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स X प्लस Y डिवाइड बाय 1 माइनस XY. देखिए फ्रेंड्स, ओके, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, फंक्शनलाइजेशन तो हो गया ना फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज इक्वल टू जीरो, इट मींस इट्स करली यू वी इज इक्वल टू करली यू कोमा वी अपॉन एक्स एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो, ये तो हो गया, ओके, फॉर इंडिपेंडेंट के इन इंडिपेंडेंट केस, ओके. तो अब देखिए यहां से कि हैंस यू वी आर फंक्शनली रिलेटेड ऑल्सो, इट मींस नाउ दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, व्हाट इज दिस U, देखिए स्टूडेंट्स, एंड दिस इंप्लाई दैट टेंजेंट V इज इक्वल टू U. ये रिलेशन स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिलेशनशिप. और जो हमने जैकोबिन फाइंड आउट किया है वो आपका क्या हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, ओके. तो हेंस यू वी आर फंक्शनली रिलेटेड ऑल्सो, ओके. तो स्टूडेंट्स, यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल फ्रॉम द फंक्शनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी, ओके, नो प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ये मैं उम्मीद करता हूं, ओके. तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ओके. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद भी मैं आपके लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से लेकर के आता रहूँगा, ओके. लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, मेरे हर एक लेक्चर को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट.